साथ माय यूट्यूब चैनल डेली नेचुरल टिप्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि देखो अभी तो बारिश का सीजन स्टार्ट हो गया है, रेनी सीजन स्टार्ट हो गया, बारिश का मौसम जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो इस बारिश के मौसम में अपनी स्किन को हम किस तरीके से बचाएं। देखो ऐसा होता है ना कि जब मानसून स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा उमस बढ़ जाती है, उमस के साथ साथ गर्मी और फिर उसके साथ साथ जो गंदगी जो हमारे फेस पर चिपकती है वो बहुत ज़्यादा हमारे फेस के लिए हार्मफुल होता है। इससे कई सारे स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, ब्लैकहेड्स, व्हाइट हेड्स, ठीक है, ये कई सारी दिक्कतें जो हैं वो बारिश के दिनों में होना स्टार्ट हो जाती है। तो और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ऑयली स्किन वालों को। जो ऑयली स्किन के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि उनके एक तो फेस से ऑयल निकलता है, ऊपर से बारिश के दिनों में उमस के टाइम पर, ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे गंदगी चिपक जाती है उनके फेस पर। तो ऐसे में उनको, जो ऑयली स्किन वाले जो लोग हैं उनको किस तरीके से अपने बारिश के दिनों में स्किन का ख्याल रखना चाहिए, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप अपने फेस पर ठंडा या फिर नॉर्मल वाटर की जगह आप जो है गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए। अपने हल्का गुनगुना पानी आप कर लीजिए जिससे आप अपने फेस को उसी से वॉश करिए, खास तौर पर मानसून के दिनों में यानी बारिश के दिनों में। इससे क्या होगा, इससे जो है गर्म पानी आपके फेस पर चिपकी हुई गंदगी को आपके फेस से निकालेगी, साथ में जो ओपन पोर्स जो आपके हो जाते हैं उसको धीरे धीरे करके बंद करेगी। तो जिनके फेस बहुत ज़्यादा ऑयली हैं वो क्या करें, वो सबसे पहले आप अपनी फेस को गर्म पानी से हमेशा वॉश कीजिए। दिन में दो बार आपको अपने फेस को जो है वो वॉश करना है और अच्छे से एक अच्छा सा फेस वॉश से अपने फेस को वॉश करना है, ठीक। साबुन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है आप अपने फेस की। दूसरा है कि आप अपने स्किन को बार बार मत छुइए। जी हाँ, ये बात हमेशा ध्यान रखो, चाहे आप मानसून के दिनों में हो या फिर अनदर कोई डेज में हो, समर हो, विंटर हो या कोई भी सीज़न हो, आपको अपने फेस को बार बार अपने स्किन को नहीं छूना, क्योंकि आपके ये हाथ और नाखून पता नहीं किस किस जगह पर किस किस को आपने छू रखा होगा, क्या क्या गंदगी आपके हाथ पे चिपकी होगी। इससे अगर आप अपने फेस को बार बार छूते रहते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बात करते करते अपने फेस पर ऐसे हाथ रख के बैठ जाते हैं, कभी ऐसे सोचने लग जाते हैं, कभी कुछ भी ऐसे, मतलब बार बार जो है अपने फेस को अपने हाथ से टच करते रहते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बार बार अपने स्किन को हाथ से टच नहीं करना है, इससे एक्ने पिंपल्स की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ख़त्म होने की जगह वो एक जगह से छूकर दूसरी जगह पर निकल आते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपको अपने स्किन को बार बार अपने हाथों से ना छुएं, और जब भी आप फेस वॉश करें तब भी अपने हाथों को पहले अच्छे से साफ़ कर लीजिए, उसके बाद ही आप अपने फेस को वॉश। तीसरी चीज़ है आप अपने फेस को हमेशा टोनिंग करते रहिए। जी हाँ, ऑयली स्किन वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि उनके फेस से जो है बार बार ऑयल रिड्यूस होता रहता है, बार बार ऑयल जो है वो निकलता रहता है। हर थोड़े मिनट में यहाँ पर नाक के आसपास ऑयल जमा हो जाता है, यहाँ जमा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर जमा हो जाता है। तो वो क्या करें, वो अपने फेस को टोनिंग करते रहिए। टोनिंग का मतलब है कि आप अपने फेस पर या तो गुलाब जल जो है वो लगाइए, या फिर गुलाब जल से अच्छा है कि आप खीरे का रस, कुकम्बर का जूस आप एक स्प्रे, ठीक है, एक स्प्रे बॉटल में भर के रख लीजिए, फ्रिज में आप बर्फ़ वाले में रखिए, और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके फेस से ऑयल निकल रहा है तो आप अपने फेस को वो कुकम्बर का जो रस है, जो खीरे का रस है, उसको स्प्रे करके टिश्यू पेपर या कॉटन की हैंकी से पोंछ लीजिए। इससे क्या होगा कि इससे एक तो आपकी जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकलेगी और दूसरा भी आपके फेस पे बहुत जल्दी तो नहीं। इम्पॉर्टेंट काम बारिश के दिनों में करना है कि जो ऑयली वाली स्किन वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने फेस से जो ऑयल रिड्यूस होता है उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इस परेशानी से आप निकलने के लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप वीक में 2 से 3 बार बेसन का फेस पैक अपने फेस पर अप्लाई करिए। उपटन के ऊपर एक वीडियो बना रखी है कि किस तरीके से उपटन बनाया जाता है बेसन का, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैंने आई बटन पे इसका लिंक दिया हुआ है, जाके चेकआउट कर लीजिए कि बेसन का जो है उपटन किस तरीके से तैयार किया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से आपको बेसन, हल्दी, नींबू, दही या फिर कच्चा दूध, इन तीनों में से कुछ भी आप इनमें मिला कर एक उपटन तैयार कीजिए और इस फेस पैक को आप अपने फेस पर अप्लाई कीजिए।
इसको आप वीक में 3 से 4 बार आप अपने फेस पर अप्लाई करेंगे, तो इससे ना ही आपका जो ऑयल रिड्यूस होगा बल्कि और आने से भी बचेगा, और इससे आपके एक्ने पिंपल्स भी ख़त्म होंगे, साथ साथ आपकी जो स्किन है वो भी धीरे धीरे करके फेयर होती जाएगी। मैं भी बारिश के दिनों में यही उपटन यूज़ करती हूँ, यही फेस पैक यूज़ करती हूँ। बेसन से अच्छा कोई भी आपका फेस पैक नहीं हो सकता। बेसन जो है हमारे ऑयल को आने से रिड्यूस करता है, रोकता है, और साथ में ये हमारे फेस को, हमारी स्किन को धीरे धीरे करके फेयर भी करता है। हल्दी हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस वो हमारे एक्ने पिंपल्स और ब्रैकेट्स वगैरह को ख़त्म करती है। नींबू एक तरीके से नेचुरल ब्लीच का काम करता है, अगर आप उसमें नींबू डाल के यूज़ करते हैं तो ठीक। तो आपको ये फेस पैक आपको वीक में 3 से 3 to 4 times अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद आपको 10 से 15 मिनट अपने फेस पर रखना है और फिर ठंडे पानी से धो लेना है। इसके ऊपर आपको फेस वॉश नहीं करना है। चलिए बस आज के लिए वीडियो इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एक लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।